नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी का पटाखा में। दोस्तों, नागिन 6 में हो रही है शेषा की एंट्री। शेषा आते ही शो में करने वाली है 3 सबसे बड़े बदलाव। शेषा के आते ही शो में आएंगे 3 सबसे बड़े ट्विस्ट। क्या कुछ होगा, चलिए हम आपको बताएंगे पूरे की पूरी खबर इस रिपोर्ट में टीवी का पटाखा की। लेकिन टेलीविजन इंडस्ट्री की हर खबर को जानने के लिए ना भूलें टीवी का पटाखा को सब्सक्राइब करना। दोस्तों, नागिन 6 में एंट्री हो चुकी है शेषा यानी कि काली नागिन की। काली नागिन इस बार ऐसे ही नहीं आई है, बल्कि प्रीति की ढाल बनकर आई है। प्रीति को उसकी जिंदगी का मकसद दिखाने के लिए आई है। प्रीति को ये बताने के लिए आई है कि उसको कैसे लेना है अपनी माँ और बाबा का यानी कि प्रथा का और ऋषभ का बदला। पर आते ही शेषा के शो में 3 सबसे बड़े ट्विस्ट आएंगे। सबसे पहला ट्विस्ट, सबसे बड़ा बदलाव जो शेषा करेगी वो ये कि नानी माँ की पायल को वो शक्तिहीन कर देगी। जी हाँ, नानी माँ की पायल जिसमें अपनी ही चमक है, जादूगरी है, उस जादूगरी को दूर करने के लिए शेषा साम दाम दंड भेद सब करेगी, जिससे किसी भी तरह महक के पैरों से वो पायल बाहर निकल आए और वो पायल पहुंच जाए प्रथा पैच और वो पायल पहुंच जाए प्रार्थना के पैरों में। तो वहीं दूसरा सबसे बड़ा राज खोलने वाली है यहाँ पर आकर शेषा। बताने वाली है प्रार्थना को कि उसका प्यार रुद्र और अब यानी कि रघुवीर, क्या है इन दोनों के बीच का कनेक्शन? क्यों रघुवीर की तरफ खिंची चली जा रही थी प्रार्थना प्रीति बनकर, और क्या हुआ था रुद्र और प्रार्थना के बीच में? क्यों रुद्र और प्रार्थना के बीच में दूरियां आ गई थी? जबकि तक्षक नाग ने तो वरदान दिया था प्रार्थना को कि उसका सुहाग कभी भी इस दुनिया से नहीं जाएगा। तीसरा सबसे बड़ा बदलाव और सबसे बड़ा ट्विस्ट, काल के वंश का अंत करना। जी हाँ, शेषा खुद तो अंत नहीं करेगी काले के वंश का, क्योंकि शो की असली हीरोइन, असली नागिन तो इस समय प्रार्थना है। पर हाँ, उसको रास्ता बता देगी कि किस तरह से काले के वंश का अंत कर सकती है प्रार्थना। दोस्तों, ये सब देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं आप? हमें कमेंट्स में आप जरूर लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।